अल्लाह व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आई एम सीबीएसई कार्ड सेल एग्जीक्यूटिव ऑफ कासा स्टेट एंड डायरेक्टर्स। आज मैं मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चर्ड के फेज वन सेंट्रल ब्लॉक के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कनाल का बहुत खूबसूरत घर है। आइए इसका हम विजिट करते हैं अंदर से, वीडियो एंड तक देखिएगा। व्यूवर्स, इसकी ये फ्रंट एलिवेशन है जैसे आप देख सकते हैं। व्यूवर्स, अब हम इसके गैराज के अंदर एंटर होने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गैराज काफ़ी बड़ा है और ईजिली यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जो है ना पार्क हो सकती हैं। इसकी अगर टाइल्स वर्क की बात करूँ तो टाइल वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। ये साथ गार्डन है। हम इसके अंदर एंटर होने लगे मेन गेट से। साथ ही हम लेफ्ट टर्न करें तो हमें ये पाउडर रूम देखने को मिलता है। पाउडर रूम के सामने बिल्कुल ही हमें एक ये ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क्स बहुत अच्छा हुआ हुआ है, इसकी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है। रॉयल्स के फैंस लगे हुए हैं, साथ ग्लास लगा हुआ है। ये टाइल वर्क्स है। व्यूअर्स, ड्राइंग रूम के साथ ही हमें टीवी लॉन्च मिलता है देखने को। टाइल वर्क्स आप टीवी लॉन्च का देख सकते हैं। रॉयल्स फैंस लगे हुए हैं, सीलिंग वर्क बहुत अच्छा हुआ हुआ है। टीवी लॉन्च के साथ ही हमें फर्स्ट बेड मिलता है। इसे हम बेड भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेन एंट्रेंस का गेट जो है वो ये है। टाइल वर्क्स नो डाउट बहुत अच्छा हुआ हुआ है। व्यूअर्स, अब हम किचन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत खूबसूरत किचन है। वुड वर्क्स बहुत अच्छा हुआ हुआ है इसका, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसका। इसके साथ हमें एक और किचन देखने को मिलता है। इसकी सेपरेट एंट्रेंस है। व्यूअर्स, हम इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर एंटर होने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशंस, सीलिंग वर्क, रॉयल फैंस लगे हुए हैं। इसके स्टाइल टाइल वर्क्स बहुत आउट क्लास हुआ हुआ है। ये इसके साथ वार्डरोब्स हैं। वार्डरोब के साथ ही हमें वॉशरूम मिलता है। ये साथ ही इसके इसका फर्स्ट बेड का अटैच बाथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सैनिटरी काफ़ी अच्छी फिटिंग हुई हुई है इसकी, टाइल वर्क अच्छा हुआ है। व्यूअर्स, अब हम इसके सेकंड बेड के अंदर एंटर होने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, टाइल वर्क्स आउट क्लास है। ये इसकी वार्डरोब्स हैं। साथ इसका अटैच बाथ है। वॉशरूम के अंदर भी वार्डरोब्स मिलती हैं। बहुत खूबसूरत वॉशरूम बनाया गया है इसका। टाइल वर्क्स बहुत आउट क्लास है, सैनिटरी फिटिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी। और जब हम इसके ऊपर के पोर्शन की तरफ जाने लगे, जब हम ऊपर के पोर्शन आ चुके हैं, और जब हम उसके ऊपर के पोर्शन पे आ चुके हैं, टाइल वर्क्स आप देख सकते हैं बहुत आउट क्लास है। इसके लेफ्ट साइड में हमें जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमें इसका फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, सीलिंग वर्क देख सकते हैं, टाइल वर्क्स बहुत अच्छा हुआ है इसका। इस बेड के साथ हमें एक छोटा सा टेरेस देखने को मिलता है। व्यूअर्स, अब हम इसके फर्स्ट बेड के अंदर एंटर होने लगे।
टाइल वर्क्स आप देख सकते हैं, सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, रॉयल्स के फैंस लगे हुए हैं, इसके साथ इसके अटैच बाथ है, रिवर। जैसे ही हम इस रूम से एग्जिट लेते हैं तो हमें सामने एक बहुत खूबसूरत टेरेस देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स हम ये इसके अब सेकंड बेड के अंदर एंटर हो रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत आउट क्लास है, टाइल वर्क्स बहुत अच्छा है। इसके साथ हमें टेरेस की एंट्रेंस भी मिलती है, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स ये इसका वार्डरोब्स है, साथ इसकी अटैच बाथ, टाइल वर्क्स बहुत अच्छा है, टाइल्स कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी हुई हुई है। हमें ऊपर वाले का किचन मिलता है देखने को, बहुत आउट क्लास वर्क हुआ हुआ है, इस पर टाइल वर्क्स बहुत अच्छा है इसका। इसको आप व्यूअर्स बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स अब हम इसके थर्ड बेड के अंदर एंटर होने लगे हैं। सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं, रॉयल फैंस हैं, व्यूअर्स ये इसके साथ अटैच बाथ है, बाथ के अंदर ही हमें वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं, टाइल वर्क्स देख सकते हैं आप। आउट क्लास वर्किंग हुई है इस पर। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसकी डिमांड की बात करें तो इसकी 6 करोड़ से डिमांड कर रहे हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। कासा स्टेट डेवलपर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।